हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली कि आप अपने फ़ोन में वॉलपेपर कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे। आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड, आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फोन में। सेटिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा कि आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन में डिस्प्ले। तो आपको डिस्प्ले पर क्लिक कर लेना। एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉलपेपर। आपको क्लिक कर लेना। जैसे कि आपको अपने फोन में वॉलपेपर पे अपने फोटोज वगैरह लगाना है तो आपको आगे गैलरी पे फोटोज पे क्लिक करके अपने कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा वॉलपेपर। आपको यहाँ पर वॉलपेपर काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। जो भी वॉलपेपर रखना है आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आपको वॉलपेपर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई का। आपको अप्लाई पे क्लिक करके होम स्क्रीन वॉलपेपर पे क्लिक कर लेना है। तो इस प्रकार आप अपने फोन में वॉलपेपर चेंज करेंगे। तो आई फोन आपको चेक कराए थे, जो आपने वॉलपेपर चेंज किया था वो हमारे होम स्क्रीन पे सेट हो चुका है। तो इस प्रकार आप अपने फोन में वॉलपेपर चेंज करेंगे। आई होप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो गाइज, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो तक। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।